हाय स्टूडेंट, जीआईटी का ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं इंटरनेट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यू के बारे में, कि इंटरनेट में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्या उसका सलूशन होगा, वह एक एक करके स्टेप बाय स्टेप जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो सबसे पहले देखिए, क्वेश्चन जो दिया है वह दिया है वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा पेज खुल जाता, उसे क्या कहते हैं? ध्यान देना, पहले क्वेश्चन पढ़िए, बहुत जल्दीबाजी नहीं है, समझना होगा तब आपको आगे समझ में आएगा। वेब पेज पर एक लिंक को क्लिक करने पर दूसरा वेब पेज खुल जाता है, उसे क्या कहते हैं? एंकर, हाइपरलिंक, यूआरएल, रेफरेंस। यूआरएल वाले हाथ उठाए, एक हाइपरलिंक वाले हाथ उठाए। चल, इन दोनों के अलावा जो है वो हाथ उठाए, बोलो। बताइए, पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया आप लोग को, तो बताइए, ध्यान देना। मैंने बताया था कि जब एक पेज से दूसरे पेज को जोड़ना होता है तो उस समय हाइपरलिंक का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हाइपरलिंक का यूज करते हैं, ध्यान देना। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? हाइपरलिंक। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं और एक एक करके इसको समझते हैं। कहाँ गया भाई जी? चलिए देखिए, अगला है इंटरनेट बैंकिंग, बैंकिंग का क्या अर्थ है? चलिए देखते हैं, नेट पर बैंकों की बैठक, इंटरनेट के जरिए बैंकिंग, विदेश के साथ संव्यवहार, इन इनमें से सभी। यहां पे बताया जा रहा है इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है। ऑप्शन बी बी, और लास्ट वाले कितने लोग आए? चलिए, इंटरनेट बैंकिंग का क्या अर्थ है, मतलब इंटरनेट के जरिए बैंकिंग का इस्तेमाल करना, बैंक का प्रयोग करना। किसका प्रयोग करना? बैंक का प्रयोग करना, ध्यान देना। इसे बोलते हैं क्या? इंटरनेट बैंकिंग, मतलब इंटरनेट बैंकिंग का सीधा सा मतलब है बैंकों का उपयोग किसके माध्यम से करना? इंटरनेट के माध्यम से करना, और एक जगह की ट्रांजेक्शन को, मतलब एक जगह से पैसा दूसरे जगह भेजना या रिसीव करना या कोई रिपोर्ट निकालना, वह सब किसके माध्यम से होता है? इंटरनेट के माध्यम से होता है। चलिए, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, इस बार मैं जिससे पूछूंगा वही जवाब देगा, दूसरा कोई जवाब नहीं देगा। तारा निम्न लिखित में से कौन कनेक्टिविटी का उदाहरण है? ठीक है, अब ऑप्शन दिया है, जिससे पूछूंगा वही खड़ा होकर जवाब देगा। पहला ऑप्शन दिया इंटरनेट, दूसरा ऑप्शन दिया फ्लॉपी डिस्क, तीसरा दिया डाटा, चौथा दिया पावर कार्ड। चलो, सबसे पीछे कौन है? राहुल, खड़े हो? क्या नाम तुम्हारा? हाँ, संदीप,
बताओ बाबू। नेक्स्ट। बोलो। अच्छा नेक्स्ट उसके नेक्स्ट। उसके बगल में जो है अगले वाले बेंच पे डाटा। बाद नेक्स्ट नेक्स्ट। दूसरा इंटरनेट हाँ बी संगत का सर है। सही है सर। इंटरनेट इतना इंटरनेट कंफ्यूजन है। हाँ इंटरनेट इंटरनेट। अच्छा तुम लोग बता दो तब क्यों होगा। इंटरनेट ही होगा। अच्छा ऐसा मत करना, होगा यही होगा। बैठ जाओ। चलिए ध्यान देना। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन देखो साफ साफ लिखा गया। निम्नलिखित में से कौन कनेक्टिविटी का उदाहरण है? ठीक है, मतलब अगर मान लो एक जगह से दूसरे जगह अगर हमको कनेक्ट करना है, आपस में जुड़ना है, तो किसका सहारा लेंगे? इंटरनेट का। ना फ्लॉपी डिस्क का, ना डाटा का, ना किसी पावर कार्ड का। ठीक है, इंटरनेट रहेगा तो हम आसानी तरीके से एक जगह से दूसरे जगह कम्युनिकेट कर पाएंगे, कनेक्ट हो पाएंगे और अपना वर्क कर पाएंगे। इसीलिए इसका राइट आंसर क्या है? इंटरनेट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते। चलो क्वेश्चन पढ़ो। ईमेल भेजते समय की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। बताइए। ऑप्शन कोई नहीं है। आंसर अभ्यर्थी किसकी? तू के बारे में बताओ। चलो दिखा देते हैं ऑप्शन। सब्जेक्ट मॉडेम सीसी। इनमें से कोई नहीं। अच्छा ठीक अच्छा अभी तो कर पता नहीं, तो क्या बता रहे थे। चलिए ईमेल भेजते समय सब्जेक्ट की लाइन संदेश की विषय वस्तु के बारे में बता देती है। हम लोग हाल ही में चर्चा किए कि सब्जेक्ट इसीलिए देते हैं, पता चल जाए कि हम किस मैटर पे इनको मेल किए हैं या भेजे हैं, तो उसके अंदर क्या है हम उस सब्जेक्ट से ही पता कर लें। उसके लिए इस्तेमाल करते हैं लोग किसका? सब्जेक्ट का। मतलब विदाउट सब्जेक्ट भी हम मेल कर सकते हैं, कल पढ़े थे, लेकिन सब्जेक्ट देना बहुत जरूरी है। इसीलिए इसका राइट आंसर रहेगा सब्जेक्ट। अब अगला है, किस डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? समझे ना, किस डिवाइस का प्रयोग टेलीकम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन दिया मॉडेम, रूटर, इंटरनेट, ट्राइप्स। अगर भारत इंटरनेट कितने लोग हैं इंटरनेट?
दिख नहीं रहा है। किस डिवाइस का प्रयोग टेली कम्युनिकेशन लाइनों पर डाटा ट्रांसमिट करने के लिए किया जाता है? अच्छा अब समझ में आ गया। आपको पढ़ाया गया डिवाइस, साफ साफ यहाँ लिखा गया किस डिवाइस, और इंटरनेट कोई डिवाइस नहीं है। बोलो, हम मॉडेम पढ़ाए थे, क्या करता है एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और यहाँ पे डिवाइस लिखा गया है, डिवाइस नहीं रहता तो यहाँ पे इंटरनेट ही जवाब देते, लेकिन डिवाइस दिया है तो डिवाइस के बारे में पता करना है। मॉडेम भी डिवाइस है, राउटर भी है, ड्राइव नहीं है, और इंटरनेट तो जब दो नेटवर्क मिलते हैं आपस में तो इंटरनेट का निर्माण करता है, और यहाँ पे डिवाइस के बारे में पूछ रहा है इसलिए मॉडेम ही आंसर देंगे। अगर यहाँ पे बस यहाँ पे डिवाइस नहीं रहता और वैसे नॉर्मल होने इंटरनेट ही जवाब देता। ठीक है चलिए, क्या रूटर? हाँ ठीक है, रूटर लिख लो। खेतो जोतवाना जोतवा लो। चलो देखते हैं अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पथ केवल नेटवर्क का कनेक्शन है जिसे साथ जोड़ा जा सकता है? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट, इनमें से कोई नहीं। हाँ इसका राइट आंसर इंटरनेट है। अगला है अनसोलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं?